यमन के हुथी विद्रोहियों ने भी इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिसने दावा यह किया है कि बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हवाई हमले किए जाएंगे। हुथी विद्रोही इसराइल को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रहे हैं। साथ ही हुथी विद्रोहियों ने इसराइल को बड़ी धमकी दे डाली है कि अगर लाल सागर से इसराइल का एक भी जहाज गुजरा तो उस पर ऐसा हमला होगा जो इसराइल सपने में भी नहीं सोचा होगा। यमन से अंसारुल्लाह का आक्रमण, इजराइल पर हूथी का बारूदी निशाना, यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और धमकी दी है कि आने वाले दिनों यमन से इसराइल पर हमले तेज हो जाएंगे। यही नहीं, हूथी विद्रोहियों ने धमकी दी कि लाल सागर से अगर इसराइल का एक भी जहाज गुजरा तो उस पर ऐसा हमला होगा जो इसराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हूथी विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक बदरेद्दीन अल हूथी ने हमास का साथ देते हुए इजराइल को धमकी दी कि उन पर हमला नहीं रुकने वाला। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि अगर यमन की सीमा भी फिलिस्तीन से लगती तो हूथी विद्रोही भी इस जंग में शामिल हो जाते। वहीं हूथी विद्रोहियों के नेता की धमकी के बाद यमन से इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई जिन्हें इसराइल के एरो-3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया। लेकिन हूथी विद्रोहियों की धमकी से इसराइल सावधान हो गया। इसराइल की नौसेना ने लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी, उसने वहां अपने जंगी जहाज तक तैनात कर दिए क्योंकि हमास और हिजबुल्ला से जूझ रहे इसराइल के खिलाफ यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी जंग का मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि वो इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले तेज करेंगे। اطلقت قواتنا المسلحه بعون الله تعالى دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش إيلات، وذلك بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى. इसराइल पर हमास के लड़ाके पहले से ही कहर बनकर टूट रहे हैं और ऊपर से लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला भी जंग में कूद चुका है और वो लगातार हमास के साथ मिलकर इसराइल के शहरों और सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है। लेकिन इसराइल की मुसीबत तब और बढ़ गई जब यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी उस पर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। लेकिन इसराइल के एरो-3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। इसराइल का दावा है कि उसका ये एरो-3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है और अगर इसराइल का दावा सही है तो एरो-3 इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाएगा। इसराइल की सेना के मुताबिक सटीक हमले करने के मामले में एरो-3 का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को भांपने और उसे हवा में ही तबाह करने की ताकत रखता है और इजराइल की सेना का दावा है कि हाल ही में किए गए टेस्ट में ये 100% सफल रहा है। और इजराइल अपनी इस कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा। हालांकि इसे बनाने में अमेरिका ने भी इजराइल की आर्थिक तौर पर काफी मदद की। माना जा रहा है कि अमेरिका की हिस्सेदारी की वजह से ही इजराइल अपने इस नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जर्मनी को भी बेचने के लिए राजी हुआ है और वो खुद इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ करेगा। क्योंकि लाल सागर के किनारे मौजूद इजराइल के इलाकों में हूथी विद्रोही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं और वो आए दिन यमन से इजराइल में हमले कर उसे चुनौती देते रहते हैं।
जिसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान। ईरान इसराइल से जितनी कट्टर दुश्मनी रखता है, हूथी विद्रोहियों से उसकी उतनी ही अच्छी दोस्ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यमन के हूथी विद्रोही शिया मुसलमान हैं और उन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। आरोप तो यह भी है कि ईरान हूथी विद्रोहियों को फंड के साथ ही हथियार भी मुहैया कराता है। और माना जा रहा है कि अपनी इसी दोस्ती की वजह से हूथी विद्रोहियों ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि वो ईरान के उस प्लान का हिस्सा है जिसके जरिए वो इसराइल को नक्शे से मिटाने की हसरत रखता है। आरोप है कि इसी वजह से यमन से लगातार इसराइल पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, ताकि हमास से जारी जंग के बीच इसराइल को चारों तरफ से घेरा जा सके। गाजा पर इसराइल के हमलों के बाद इसराइल बॉर्डर पर गाड़ियों के मूवमेंट को रोक दिया गया, जबकि इसराइल के हमलों की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। आपको ग्राम जीरो से यह रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 15 मिनट में एक के बाद एक बड़े हमले किए गए हैं। ट्रैफिक रुक गया है, यहाँ देख सकते हैं ये पूरा ट्रैफिक जो है मिलिट्री जोन पहले से ही है, और ये जो गाड़ियां हैं यहाँ आने की इजाजत सभी गाड़ियों को नहीं है, लेकिन ये वीवीआईपी गाड़ियों की भी ट्रैफिक जो है रुक गई है। लेकिन धुएं का गुब्बार हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद लगातार उस इलाके में, उस लोकेशन पे बैक टू बैक हमला किया जा रहा है तोप और टैंक के जरिए, और बीच बीच में हवाई हमला भी किया जाता है। जमीन पे आईडीएफ के जवान हैं और ऊपर से तोप और टैंक या हवाई हमले से लगातार उस आतंकी लोकेशन पे हमला किया जा रहा है। और इधर एक बार फिर आपको हमारे कैमरा पर्सन वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आर्मी के लोकेशन की, जहां आर्मी के जवान तैनात हैं तोप और टैंक के साथ। ये जो एरिया है कितना सेंसिटिव है उसका आपको अंदाजा लग सकता है। ये मूवमेंट जो है वीवीआईपी मूवमेंट है, और इसीलिए यहाँ एक आगे में बख्तरबंद गाड़ी आपको दिख रही होगी, ये स्पेशल यूनिट की गाड़ी है, यानी सुरक्षा घेरे में ये गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। कितना सेंसिटिव इलाका है उसका अंदाजा आपको लग सकता है।